पता है फिर भी लाते क्या जब ये टाइटल ही सबसे पहले आप सुनते हैं यू नो बहुत सारी चीजें हैं जब आपने फर्स्ट टाइम ये टाइटल सुना तो ऑफ कोर्स आप ये टाइटल जो आपने सुना बोलो तो फर्स्ट दैट केम टू माइंड व्हिच टाइम टू थिंक तो सबसे पहले जब आपने ये सुना था लुक सेंटर पे बस इंट्रोड्यूस करना या हाय सो माय नेम इज़ परी चौधरी एंड अभी जस्ट हमने ट्रेलर देखा है लतीफ़ टुलादेन तो अभी अभी मुझसे पूछा है आपने कि ये जहन में क्या आता है लतीफ़ टुलादेन तो आई वांट टू आस्क यू कि आपके जहन में क्या आया उसके बाद मैं बताती हूँ लादेन आया ओके सो द सेम वे जब मैंने टाइटल सुना लतीफ़ टुलादेन तो सेम क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि ये लादेन थोड़ा सा मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लतीफ़ टू लादेन लादेन समझ में आया बट देन हु इज़ लतीफ़ तो लतीफ़ मुझे बताया गया कि हु इज़ लतीफ़ एंड हाउ ही बिकम लादेन मोस्ट वांटेड मैन द मोस्ट वांटेड मैन ऑफ द कंट्री इन माय माइंड वेल एज आई वाज अवेयर कि कहानी के बारे में सो इट वाज नॉट न्यू फॉर मी आई कुड रिलेट टू द सेम के कैरेक्टर लतीफ़ क्योंकि जब नरेशन हुआ था मेरे साथ पहली बार आई वॉज अवेयर कि जो ये सिंपल इनोसेंट आदमी है He becomes, by these circumstances, he becomes the most wanted man of the country. और उसे पता भी नहीं होता कि मैं most wanted हूँ So, that was the reason I understood the same because of the narration. Otherwise, अगर मैं layman होता मुझे कहानी के बारे में पता नहीं होता शायद that would have been a little difficult for me to understand कि ये नाम क्यों है So, I think that was the case, in my case. But he was the one there from the very beginning, so he'll be able to explain more. तो ये लतीफ़ है जो आपने पूछा टाइटल को लेकर लतीफ़ तो लादेन लादेन तो एक नॉन नेम है मतलब सब जानते हैं तो लतीफ़ एक बहुत कैची नेम है ये फारूक़ को लादेन भी हो सकता था कुछ भी हो सकता था बट लतीफ़ अपने आप में एक बहुत कैची है लतीफ़ टू लादेन अगर मैं कहीं साउंड भी ऐसा करता है मतलब बहुत कैची लगता है नाम तो ये जब हमने टाइटल डिसाइड किया था तो ये हम मतलब मैं डायरेक्टर सेटअप से होता हम लोग स्क्रिप्ट पे काफ़ी वर्क करते हैं तो उसी टाइम पे हमें ये माइंड में आ रहा था कि कोई ऐसा नाम हो जो कैची हो जो इस लाइन को पूरा कम्प्लीट करे अब फारूक को लादेन को देखें तो वो इतना कैची नहीं लग रहा लतीफ़ को लादेन फ्लो में भी है इसने फ्लो अपने आप में बहुत कैची नाम है और स्टार्ट्स विद एल अगेन स्टार्ट्स विद एल हां स्टार्ट तो लतीफ़ लादेन को सभी जानते हैं अब लतीफ़ को भी जानने लगेंगे लेकिन ट्रेलर भी हमने देखा है एक चीज जो देख के लगता है कि मतलब फिल्म की कुछ और भी एलिमेंट के साथ देख सकते थे लेकिन इसको एक ह्यूमर के तौर पे लेके जा रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई है जो एक हंसी के साथ दिखा रही है खुशी के साथ उसे आगे ले जा रहे हैं कहानी जब सुनी आप लोगों ने क्या कुछ कैसे रिलेट किया कहानी के साथ से शुरू करते हैं जब ये स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था जब शोएब काजमी जी हैं जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया हमें जो शोएब काजमी डायरेक्टर हैं उनको शोएब काजमी जी हैं जिनका ये कॉन्सेप्ट है उन्होंने जब कॉन्सेप्ट बताया तो जो डायरेक्टर हैं शोएब काजमी उनको भी बहुत अच्छा लगा मुझे भी बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने कॉन्सेप्ट पे बोला कि हम लोग इस पर स्क्रिप्ट लिखेंगे तो उस पर स्क्रिप्ट लिखा और उसके बाद मैं उसमें काफ़ी इन्वॉल्व था स्टार्टिंग से स्क्रिप्ट में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी इसमें जो हम फ़नी वे में बता सकते थे तो छोटे छोटे टॉपिक्स भी हैं जो इश्यूज़ हैं जम्मू कश्मीर में उनको भी थोड़ा थोड़ा टच किया है लेकिन बड़े ह्यूमर के साथ और बड़े स्टाइल के साथ कॉमेडी एक ऐसा ज़रिया है जिस हिसाब से इनफैक्ट अगर हम सीरियस फिल्म बनाने लग गए अगर हैदर एक फिल्म बनी थी कश्मीर पर वो एक सब्जेक्टिव फिल्म थी उन्होंने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर बात की है टॉपिक पर बात की दो दैट वॉज अडेप्टन ऑफ हैमलेट लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं अगर आपको अपनी सोसाइटी के बारे में जैसे कि मंटू का मैंने परसों भी एक कहीं पे जिक्र किया था मंटू वाज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी तो कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी के बारे में इंसान को फिल्मों के ज़रिए बात करनी चाहिए और अगर आप हंसते हुए कोई बात अगर आप हंसते हुए किसी को प्यार से गाली भी दोगे तो उसे बुरा नहीं लगता तो इसीलिए कोई इशू अगर हंसते हुए आप बोलोगे तो इंसान थोड़ी देर के लिए उस पर हंसेगा लेकिन डाउन द लाइन वो एक सवाल आपके दिमाग में बीच कर जाएगा कि व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन और द आंसर फॉर दिस समझ में भी आता है लोगों को इनक्रेज करना उनका साथ देना जैसे आपने कहा कि यार मैं अगर इंसानी हिस्सा बन के कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँ तो मैं लिख वो सलमान की थॉट प्रोसेस और कितना इंस्पायर है आप सलमान नहीं डेफिनेटली बचपन से अगर हम देखें तो उनकी फिल्में देखते आए हैं मैं इनफैक्ट आई रिमेंबर फ्रॉम मैंने प्यार किया से शायद आज तक सारी फिल्में देखी होंगी ऑलमोस्ट और जब पहली बारी सामने देखा दो ऐसा स्टार स्टार स्ट्रक तो नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में हूँ
बट व्हेन आई फर्स्ट इंटरेक्टेड विद हिम तो वहाँ पे लगा यार मैं एक इंसान से बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट स्पीकिंग टू सम स्टार। सलमान खान जैसे आप नाम सुनते हैं तो एक ऑरा समझ में आता है, 10-15 बॉडीगार्ड्स, एक 50 लोगों की पुलिस की टीम आती है तो वो आपके जहन में आता है, बट व्हेन यू स्पीक टू हिम एज अ पर्सन ही इज़ इन्फॉर्मेटिव, ही इज़ अ लर्न मैन, और वहाँ से इंसान को इंस्पिरेशन मिलती है जब वो बातें करते हैं। हमने कश्मीर में जब बैठे थे बजरंगी के दौरान तो हम वी यूज़ टू टॉक अबाउट फॉरेस्ट्स, टू प्रिजर्व फॉरेस्ट्स, और एक और एंगल, एक और साइड उनका देखने को मिला एट द पार्टी जब उनके फार्म हाउस पे हुई थी, तो वो दिल से एक बच्चे हैं, लेकिन दिल से बच्चा होना एग्जैक्टली दिल से कोई बच्चा है इस हिसाब से वो उछल कूद, स्विमिंग पूल, सबको लाइवली, इनफैक्ट आई रिमेंबर एक एडी को उन्होंने 10 मिनट में स्विमिंग सिखाई, दिस इज समथिंग, बिकॉज एडी के लिए भी यही बात थी कि मुझे सलमान खान सिखा रहा है तो उसको पता नहीं क्या हो गया 10 मिनट में सीख गया। सो दैट इज द केस, ही हैज दैट ऑरा व्हिच इज वंडरफुल एक्चुअली। यू हैव डन ऑल दिस, थैंक यू। ओके, केसरी के बारे में भी थोड़ा सा मैडम केसरी वाज टू अ लिटिल टॉक अबाउट एंड दिस इज नॉट अ राइट प्लेटफॉर्म, इवन आई एग्री विद दैट, बट केसरी के बारे में तो भाई धर्मा से पूछो, बट ये है कि ये फिल्म सारागढ़ी पे, बैटल ऑफ सारागढ़ी पे बेस्ड है और अक्षय कुमार उसमें लीड कर रहे हैं और धर्मा की फिल्म है और उसमें पठान वर्सेस सिख फौज है और आई एम प्लेइंग द चीफ इन पठान जो एंड अगेंस्ट में है, हम तीन कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, तीन पठान हैं, तो आई एम प्लेइंग वन ऑफ द लीड कैरेक्टर्स, एंटीगनिस्ट, नेगेटिव लीड्स इन द फिल्म। और फिर शेड्यूल कंप्लीट होगा मेरे ख्याल से नवंबर में और रिलीज होने की डेट है 21st March 2019। वो हमेशा उनके साथ जॉली भी कर चुका हूँ मैं इससे पहले, तो बहुत अच्छी, अच्छा उनका एक डिसिप्लिन बड़ा पसंद है, वो एक टाइम पर आते हैं टाइम पर जाते हैं, दैट्स अमेजिंग, दैट्स वंडरफुल। या सो दिस कैरेक्टर, सो दिस गर्ल्स नेम इज़ चांदनी जो कि एक छोटे से गांव से है, पर क्योंकि इसने बाहर पढ़ाई की है तो उसकी थिंकिंग थोड़ी सी उन बाकी सब लोगों से, बाकी सब लड़कियों से मॉडर्न है, तो और शी इज़ अ डिसेंट गर्ल, वेरी डिसेंट गर्ल और बहुत ही सिंपल सी लड़की, पर एट द सेम टाइम उसका वो बचपना है उसमें अभी भी, शैतानी, या शैतानी शैतानी दिमाग चल रहा है, यू सॉ दैट, तो समहाउ आई कैन रिलेट दिस गर्ल टू माय सेल्फ। तारिक, आप भी हौसला अफजाई के जब मैं नील की बात करता हूं, ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे अभी मैं इनके साथ बैठा हूँ तो मुझे ऐसा थोड़ी सी नर्वसनेस भी हो रही है कि इनके साथ बैठ के मैं मीडिया बाइट्स दे रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है और ये इतना अप्रिशिएट करते हैं और सेट पे भी ये छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत वर्क करते थे, लाइक मैं किसी करेक्टर में हूँ अगर इमोशनल हूँ मैं तो जब मैं एक टेक होता है अगर दोबारा टेक होना है तो और किसी को मुझसे बात नहीं करने देते कि वो करेक्टर में, उसको करेक्टर से बाहर में जाने दो, अब बात करोगे तो उसका फील चला जाएगा, छोटी छोटी चीज़ें सीखने को भी मिली इनके साथ और काफ़ी अच्छा लगता है। नहीं नर्वस नहीं है बट क्या है कि जब आप काफ़ी मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करके और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं तो अच्छा लगता है काफ़ी, तो एक नर्वसनेस रहता ही अंदर, क्या बटरफ्लाईज, नर्वसनेस एंड एक्साइटमेंट, एग्जैक्टली, देखा जाए बीइंग नर्वस इज नॉर्मल, अगर आप नर्वस हैं आप नॉर्मल हैं, क्योंकि एक छोटे से गांव से आप बिलोंग करते हो और फिर आप इतना बड़ा डिसीजन लेते हो, ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन होता है, जब इतना बड़ा डिसीजन आपने लिया है कि मुझे लाइफ में ये करना है तो फिर उस पर आपको खराब भी उतरना है, तो थोड़ा सा नर्वसनेस, थोड़ा सा वो डर वो अंदर रहता ही है कहीं ना कहीं, बट जो इन्होंने कहा कि तैयारी करी है तो वो तैयारी बहुत काम आती है, अगर आपके, व्हाट आई पर्सनली बिलीव, योर प्रिपरेशन मेक्स एन अपॉर्चुनिटी, दैट्स लक, तो ये अपना मानना है, दैट्स व्हाट, थैंक यू, मेरे ख्याल से हो गया, हमें माइक की ज़रूरत नहीं है ना, ओके, एड्रेस करना है? नो दैट्स ओके, ही इज डूइंग दैट। सर रोल क्या, हमने क्या मारा रोलिंग, सर ट्रेलर देखा हमने, आई मीन प्रोड्यूसर भी है डायरेक्टर भी है सब, आपसे जानना है कि सबसे पहले रिएक्शन क्या मिला, आई मीन जब लोगों ने अंदर ट्रेलर देखा क्या कुछ रिएक्शन मिला आपको? मुझे एक्चुअली ट्रेलर देखने के बाद जो लोगों के रिएक्शन थे, जो उसने बताया हमें, जो लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं वहाँ पे अंदर 2-3 लोग बैठे, उसको अच्छा लगा ट्रेलर, और जो एक्साइटमेंट मैंने देखा है वहाँ पे, सो मुझे अच्छा लगा कि नहीं, वी डिड अ गुड जॉब। थैंक यू सर,
भले हमने स्मॉल बजट में बनाई हो फिल्म, कोई भी बजट हो, एक्टर्स भी हमारे अच्छे थिएटर आर्टिस्ट हैं सारे, और जो वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं जिसको हमने ये चांस दिया है एक्ट करने का फिल्म के अंदर, तो उसको भी एक एक्साइटमेंट है कि हाँ ये जो फिल्म है कहीं ना कहीं अच्छी चले या कहीं ना कहीं पर्दे पर दिखे। सो हम खुश है कि यहाँ पर लोग आए हैं, श्वेता मेहता आए हैं एंड शीना आई है, जो एक्टर है, जो हमें एनकरेज करने आया है कि नहीं यार, उसने भी बोला कि यार बहुत ही अच्छा ट्रेलर है और ये फिल्म एक बहुत ही अच्छी फिल्म आप लोगों ने बनाई और पर्दे पे लाई, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, वो अपने आप बहुत विवादों में रहा है जो आपने किया इससे पहले, बुरहान मानी। मैं बताऊँ, आप उस फिल्म को देखोगे ना तो उसके बाद आप, मुझे लगता है उसके बाद अगर मैं आंसर करूँगा आप शायद सवाल इस तरह का पूछेंगे भी नहीं। वो फिल्म क्योंकि नाम सिर्फ बुरहान आ गया, तो एक छोटी सी एग्जांपल है, जैसे गजनी फिल्म है तो गजनी में जो विलन है उसके नाम पे फिल्म है, बट वो काम खराब करता है उसमें, वो मारता है लड़कियों को, रेप करता है, सब कुछ करता है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो गलत काम। वैसे ही एक टॉपिक है कि कश्मीर में ऐसे इश्यूज होते हैं, ये एक टॉपिक था बुरहान, बट आप फिल्म जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमने किस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाने की कोशिश की है कि एक्चुअल में ये रास्ता तो गलत है मिलिटेंसी का, बट ये भी मानना चाहिए हमें कि जो अफ्सपा है, जो हैदर में भी यही चीज़ हैदर में बहुत डायरेक्टली बताई है बट किसी ने सवाल नहीं किया, अफ्सपा जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स वहाँ पे हैं वो ओब्वियसली ठीक है, वहाँ पे ज़रूरत है, बट कई जगहों पे गलत फ़ायदा उठाया गया है, कई केसेस सामने आए हैं जिनको लेके कुछ सोल्यूशन नहीं हुआ है, रेप्स हुए हैं बहुत सारे, 200 औरतों का रेप हुआ है एक साथ, कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। तो अब जो लतीफ़ टू लादेन है इसका कोई कनेक्शन उससे नहीं, ये एक सटायर है, कॉमेडी है, और ये एक इसका उसका बिल्कुल ही ट्रीटमेंट ही अलग है एक दूसरे से। नहीं, मैंने इस फिल्म के लिए तो नहीं सोचा क्योंकि मुझे पता है इसमें कुछ कंट्रोवर्सी वाला ऐसा है नहीं है, बट इवन कि शायद हमारी पूरी कोशिश रहेगी, सेंसर नेटफ्लिक्स में जा रही है वो फिल्म, एंड रिलीज़ भी हमारा प्लान रहेगा अगर सेंसर से हो जाता है, नहीं होता तो ऑब्वियसली वो रिलीज़ नहीं होगी बुरहान, और हो जाती तो वो रिलीज़ होगी। मेरे को कोई डर नहीं है उस चीज़ को लेके, क्योंकि मेरे को उसको भी लेके डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जब आप फिल्म देखोगे तो आप खुद समझोगे कि हमने एट लास्ट क्या दिखाया है। अब वो मैं अभी बता दूंगा तो फिल्म ख़त्म। करेक्ट, देखो यही तो पॉइंट है, देखो हम इतने ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स हैं, आप फ्रीडम ऑफ से है, फ्रीडम ऑफ मेकिंग है, आपके पास सेंसर है, सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड को नहीं पसंद आएगा, जो लॉज के अंदर नहीं आता है तो बंद हो जाएगा, बट उन चीज़ों को लेके अब्यूज़ करना, बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा देशद्रोही बोलना बहुत गलत बात है, क्योंकि और ख़ास करके मुझे सबसे ख़राब चीज़, देखो हम ये गुजराती फैमिलीज हमें कश्मीर से बिल्कुल अपोजिट वो हो जाता है, बट हम लोग बहुत मिलजुल के एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो हमारे बीच में वो चीज़ें हैं नहीं, बट क्या होता है ना जब भी कोई मुस्लिम इस तरह की कोई चीज़ बोल दे तो वो हो जाता है कि आप चले जाओ पाकिस्तान, तो हमें समझ नहीं आता कि हम भी तो यहीं के हैं, हम पाकिस्तान क्यों जाएँ, समझ लो, तो वो चीज़ ना हो, मतलब वो एक टारगेट हो जाता है कि हिंदू के हाथ में गन है तो वो कोई डाकू हो सकता है, जैसे यूपी में होते हैं देसी कट्टे चलाते हैं, मर्डर्स भी होते हैं, और मुस्लिम के हाथ में गन है तो वो सीधा टेररिस्ट, तो वो एक वो धब्बा लग जाता है, तो वो क्लियर करना चाहिए, दोनों तरफ बैलेंस होना पड़ेगा। क्योंकि कंट्रोवर्सी की अगर बात रहती है, कंट्रोवर्सी की हम बात करते हैं, जैसे इन्होंने फिल्म बनाई है, ठीक है, सो हम फिल्म बनाते हैं तो फिल्म के अंदर सेंसरशिप है, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप अगर शॉर्ट फिल्म्स देखेंगे, वेब सीरीज देखेंगे, उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे सेंसरशिप को कोई इश्यू नहीं है, वहाँ पे सेंसरशिप है ही नहीं, वहाँ पे कोई भी जो फिल्म मेकर है या कोई धर्मगुरु है वहाँ से कोई उठाता नहीं है। फिल्म अगर बनती है तो फिल्म मेकर को परेशान करने के लिए या तो फिर कुछ भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए वो लोग करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये आपकी बात सही है कि टारगेट किया जाता है, जो थोड़ा सा भी जिसका कहीं नाम बन जाए या बन जाए तो दूसरे लोग उसको बोल के अपना भी नाम बनाते हैं बस, और अपनी पॉजिटिव साइड दिखाते हैं। Correct. बस ये चीज़ होती है, क्योंकि हाँ अगर एक आदमी सड़क पर चलता हुआ इस तरह की डिस्कशन करता है, सड़क पे चलते हो लोग बात करते हैं तो लोग सुन के इग्नोर कर देते हैं, सड़क पे कितनी चीज़ें होती है, आप यूट्यूब पे रोज़ वीडियोस देखो तो किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई उठा नहीं रहा है, कोई पूछ नहीं रहा, कोई किसी दो लोग कोई किसी की सास को मार रही है और सब लोग देख रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, वहाँ कोई पूछने नहीं जाता। सवाल सिर्फ तब खड़ा किया जाता है जब इस तरह का कोई नाम आता है जो मीडिया में आ जाएगा, जिसके थ्रू हम भी मीडिया में आ जाएँ, राइट,
तो ये फैक्ट है, ये टारगेट किया जाता है सो सिर्फ एक फिल्म के लिए वो फिल्म को पकड़ते हैं, अदरवाइज मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी वेब सीरीज को किसी ने टारगेट किया हो, किसी शॉर्ट फिल्म को किसी ने टारगेट किया हो। बट जब इस फिल्म की बात करते हैं, व्हाट एनी सेकंड थॉट दैट यू वांटेड टू गेट एसोसिएटेड विद द फिल्म, या कुछ चीजें थी ज़हन में कि यार इस तरह से अगर हम दिखाएंगे तो दैट विल बी प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम्स विल बी गेट क्रिएटेड एंड एवरीथिंग, व्हाट एनी सेकंड थॉट। नहीं, मुझे ऐसा थॉट नहीं आया, क्योंकि हमने स्क्रिप्ट पूरी पढ़ी थी, हमने फिल्म लिखी है, हमें ये मालूम है कि ये जो फिल्म बनेगी वो कैसे बनेगी, ठीक है। तो ऐसा मुझे था ही नहीं कि ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, बट हाँ मे बी अगर कुछ नाम को लेके या शाहिद ने जो पहले बुरा अनुवानित प्रोजेक्ट किया है उसको लेके शायद मे बी कुछ हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि मुझे ऐसा डरना चाहिए या किसी भी फिल्म मेकर को डरना चाहिए कि अगर कोई डायरेक्टर्स ने ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाया है तो मे बी उसकी कंट्रोवर्सी की वजह से इस फिल्म को कुछ इम्पैक्ट पड़े। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, हमने सारी चीज़ें पॉजिटिव में मिली क्योंकि मैंने भी देखी है फिल्म सारी, इनके जो प्रोजेक्ट है हमने सारी चीज़ें साथ में काम किया है, तो हमें पता है कि कैसे आगे बढ़ना है। तो इस कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट ये है नहीं पहली बात, तो मुझे ऐसा कोई डर था नहीं, सो आई एम लाइक वेरी हैप्पी फॉर दैट एंड ही डिड अ गुड जॉब, हमारे सारे एक्टर ने अच्छा काम किए, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। जी तो ये जो फिल्म है 26 अक्टूबर को नेक्स्ट मंथ में ये रिलीज होगी, आई थिंक पीवीआर के थ्रू हम रिलीज कर रहे हैं, सो पीवीआर इज इन वकाव रिलीज एंटरटेनमेंट जो है विच इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ पीवीआर सिनेमाज एंड बुक माई शो, सो दे आर गोइंग टू रिलीज दिस फिल्म, दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द फिल्म अक्रॉस इंडिया, सो आई वी पिक्ड अप यू नो द स्मॉल सिटीज एंड बिग सिटीज फॉर देम। मेरा आखिरी सवाल, आपका सा इंटॉलरेंस है अभी क्या मीनिंग है उसका? इंटॉलरेंस बर्दाश्त नहीं होता है किसी चीज़ को, डिपेंड करता है चीज़ों पे। मैंने कहा ना कुछ तो लोग मैक्सिमम तो क्या होता है जब एक इशू यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टा पे कोई भी चीज़ एक हाइप लेने लग जाती है तो लोग सभी उस तरफ ही घुसने शुरू हो जाते हैं, चाहे उस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है या नहीं। किसी एक ने तारीफ, एक आदमी होटिंग करता है सब होटिंग करना शुरू करते हैं, भेड़ चाल वाली बात भी है। तो मैक्सिमम नंबर्स जो लोगों के होते हैं वो तो बस उस तरह से होते हैं, उस भेड़ चाल में चल रहे होते हैं कि 10 लोग इस तरफ जा रहे हैं, मैं इस तरफ जाऊंगा तो शायद मैं गलत दिखूं, मैं भी इस तरफ चला जाता हूं, शायद बीच से वो भी वैसा हो, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो हाँ ये चीज़ें भी हैं कि लोग टांग खींचना, ये सब चीज़ें कुछ जगहों पे होती है, पर हमारे फील्ड में खैर हम ये चीज़ें शायद लाइफ टाइम चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे खुद का ग्रुप होता है तो हम लोग अपने लोगों को पहले देखते हैं, वैसे ही बड़े स्टार्स लोग हैं वो अपने बच्चों और भाइयों को देखते हैं, तो होता है ना सर। थैंक यू सो मच। I didn't forget the name of the hero. महिलाएं नहीं भी होती तो भी करी खा जाते हम मैम क्या कहना चाहेंगे लतीफ टू लादेन, जो आपने टेलर देखा किस तरह का अनुभव हुआ, और इस तरह की जो फिल्म है जो सब्जेक्ट है आजकल आप बहुत ऑब्वियस सब्जेक्ट पे फिल्म बन रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ यू नो अटेंशन कैच करने वाली थी वो था म्यूज़िक। उस म्यूज़िक जिस तरह से वो प्ले हो रहा था ट्रेलर में एंड उसमें क्या हो रहा था कि बहुत एनर्जेटिक साउंड हो रहा था, द फील वाज सो गुड कि बंदा बैठकर देखना चाहेगा, दैट वाज द मेन थिंग ऑडियंस के लिए। हमको ये चाहिए कि हम बैठकर वो मूवी देखें, सो दैट इज़ पास, दैट इज़ चेक्ड। सेकेंड थिंग, येस दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स आर ऑलवेज वेरी सेंसिटिव, बट इट्स ओके। जब किसी भी जब जयललिता भी मूवी बन सकती है तो ये तो बहुत नॉर्मल का टॉपिक चल रहा है, दैट इज़ ओके। आई थिंक आजकल की ऑडियंस सब कुछ एक्सेप्ट कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कोई कॉन्ट्रोवर्सी होने वाली, पीपल आर गोइंग टू एंजॉय दिस मूवी। टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, आप खुद क्या बताएं कि पास्ट प्रोजेक्ट्स में जो काम किया आपने और जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कर रही हैं क्या कहना चाहेंगी, उसके बारे में डिस्कस कीजिए, क्या काम किया या क्या करने वाली हैं। मूवी से उसका कोई लेना देना नहीं, बट हाँ मैंने भी रोडीज जीता है 2017 में, और आगे फिटनेस को लेकर आई एम प्लानिंग टू कम अप विद माय शो, मेरा खुद का शो, सो आई एम प्लानिंग टू रीच आउट टू चैनल्स, इफ चैनल अप्रूव कर देता है तो मैं उसके बारे में डिस्कस कर सकता हूँ। ये एक्टिंग और फिटनेस हमेशा मिक्स रहेगा, फिटनेस कहीं नहीं जाने वाला मुझसे। तो विल दैट रोडी विनर बी सीन इन अ बॉलीवुड मूवी, और या अपॉर्चुनिटी विल ओपन फॉर बॉलीवुड मूवी? आई एम ओपन टू डू ऑल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, बट मुझे वो एक मेन स्ट्रीम वाला काम नहीं करना। इफ आई एम डूइंग मूवी, इफ आई एम डूइंग सीरियल, इट हैज टू बी वेरी स्पेशल। आई एम टॉकिंग अबाउट यू, आई थिंक द ट्रेलर वाज रियली अमेजिंग बिकॉज़
टू हैव मतलब ऐसी एक फिल्म जहाँ एक स्टार नहीं है बट स्क्रिप्ट और कॉन्सेप्ट स्टार है, आई थिंक दैट इज़ द न्यू वेव इन सिनेमा जो आज हम देख पा रहे हैं. और मुझे बहुत स्पेशल लगा क्योंकि जो एक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर्स को लेके, जो स्क्रिप्ट को लेके, जो कॉन्सेप्ट को लेके, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है. और वो डायनामिक लगा मुझे, बहुत फास्ट पेस लगा, ड्रामेटिक लगा और बहुत रॉ, वो जो फीलिंग है बहुत रॉनेस थी, वो मैंने बहुत इन्जॉय किया. टाइटल देख के मुझे पहले तो लगा कि इट्स अबाउट टेररिज्म, बट जब मैंने जब ट्रेलर देखा तो लगा कि अच्छा कॉमेडी भी है और कॉमेडी इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग्स. मैं खुद थिएटर करती हूँ तो पूरी चीज़ टाइमिंग के बेसिस पे है एंड आई एम श्योर दैट इट विल बी इंटरेस्टिंग. जब पूरी फिल्म रिलीज़ होगी तो पता चलेगा कि किस तरीके से कॉमेडी को टाइमिंग को लेके वो यूज़ किया गया है. एक्चुअली आई लव द ट्रेलर एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट द ट्रेलर इज दैट कि बहुत रियलिस्टिक है. And I think we are in a very good age of cinema where like aaj ke time pe ye matter nahi karta ki movie badi hai ya choti hai, people want to see good content and I really through the trailer jo mujhe samajh mein aaya ki content is very realistic and I really enjoyed it and whatever jo maine dekhi abhi tak film wo bhi mujhe bahut achhi lagi. Sabne acting bahut hi real ki hai which is like really eye catching and I think jo director hai Shahid ji unhone bahut acha jo ek flow hai film ka bahut smooth hai, so like It's a really nice film to watch. Actually, I just completed one horror film with Rajneesh Dugal and Kunal Roy Kapoor, so which is releasing most probably in November. So I'm all set for that. आई एम डूइंग एक प्ले कर रही हूँ जो ईला अरुण जी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत एक्साइटेड हूँ. 6th और 7th को NCPA में दो शोज़ होंगी, 5 o'clock एंड 7 o'clock. तो KK रायना जी, ईला अरुण जी डायरेक्ट कर रहे हैं. मैं इस इंग्लिश प्ले बेबीज़ ब्लूज़, तो अगर आना चाहें ज़रूर आइएगा एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. मैं एक बबली हैप्पी गो लकी गर्ल का किरदार मैं रोल प्ले कर रही हूँ, सो इट्स माई फर्स्ट प्ले इन बॉम्बे एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. So, क्या हो रहा है अभी चैनल्स पे हर जगह बहुत मसाला बहुत नेगेटिविटी भरा हुआ है हर रियलिटी शो में. आई वांट टू कम अप विद अ शो जिसमें बहुत पॉजिटिविटी रहे. सो मैंने इट्स माय शो, इट हैज़ टू बी रिटन बाय मी, तो आई एम श्योर चैनल्स विल लव इट एंड इफ दे अप्रूव आई विल डिस्क्लोज दैट. नो, आई जस्ट सेड कि बहुत नेगेटिविटी बहुत मसाला देखा जाता है आजकल रियलिटी शो. जो 10 साल पहले रियलिटी शो था ना, अभी क्या हो गया, धीरे 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 अब एक्ट्रेस को ही लेने लग गए, अब रियलिटी रह नहीं गई है. सो अब प्रॉब्ली मेरे शो में फिर से वो लोग स्टार्ट होंगे जो यू नो नॉर्मल लोग, नो एक्ट्रेस. नो कॉमेंट्स. थैंक यू सो मच. Wait, sir. Wait. कभी का